नवाचार विषय से तात्पर्य मेरे नए नए विचारों गतिविधियों क्रियाकलापों से है। शिक्षा में नवाचार का प्रारंभ विद्यालय में बच्चे के आगमन और शिक्षक के उसके साथ संपर्क से शुरू हो जाता है। जब बच्चा विद्यालय में विशेषकर कक्षा कक्ष के अंदर प्रवेश करता है और शिक्षक के सानिध्य में आता है तो शिक्षक और विद्यार्थी के बीच बनने वाले संबंध और संपर्क के साथ ही नवाचार की कार्यशाला पाठशाला प्रारंभ हो जाती है। यूं तो हर शिक्षक अपने विषय से संबंधित पाठ्यक्रम को बेहतर से बेहतर तरीके से पढ़ाने और बच्चों को समझाने का प्रयास में लगा रहता है, किंतु जहां तक आज हम 21वीं सदी की बात करते हैं और सूचना क्रांति के युग की दहलीज पर खड़े हैं, ऐसे में हमारी जिम्मेदारी और भी अधिक बढ़ जाती है कि शिक्षक के रूप में हम अपने विद्यालय के कक्षा का और अधिक सजगतापूर्ण कार्य करें। नवाचार की आवश्यकता में शिक्षा में नवाचार और उनके कार्य रूप में कक्षा कक्ष के अंदर क्रियान्वयन एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है, जो कि बच्चे को अपनी पाठ्य पुस्तक से और शिक्षक के साथ बड़ी मजबूती के साथ जोड़ती है। कक्षा कक्ष के अंदर इनोवेटिव एक्टिविटीज की आवश्यकता अक्सर महसूस की जाती है, जिसके माध्यम से न केवल शिक्षक को अपने विषय वस्तु कंटेंट को समझाने में आसानी होती है, बल्कि विषय के प्रति बच्चों की रोचकता भी बनी रहती है। एक शिक्षक के रूप में नवाचारी गतिविधियों की आवश्यकता विषय की रोचकता को बनाए रखने और विषय वस्तु के साथ बच्चों को तादात्म्य को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। नवाचार और आवश्यक संसाधन। नवाचारी गतिविधियों में क्रियाकलाप वे शामिल होते हैं जिसके द्वारा बच्चे के बाल मस्तिष्क को विषय वस्तु की गंभीरता और उसके बेहतर समझ पैदा करने के लिए कक्षा कक्ष में प्रयुक्त किया जाता है। नवाचारी प्रयोगों के लिए सूचना क्रांति के आधुनिक तकनीकों यथा कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रोजेक्टर, स्लाइड्स, वीडियोस, मॉडल प्रोजेक्ट्स, रोल प्ले एक्टिविटीज के द्वारा कक्षा कक्ष में बच्चों को बेहतर तरीके से अपने विषय वस्तु को समझाया जा सकता है। इनोवेटिव एक्टिविटीज में मुख्यतः ऑडियो विजुअल थिएटर को उपयुक्त किया जा सकता है। शिक्षक की भूमिका के रूप में हमारा महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस सिलसिले में भारतीय परिवेश में शिक्षक की भूमिका सबसे अहम है। यहाँ शिक्षक की संपूर्ण विद्यालय गतिविधियों को शिक्षक द्वारा ही संचालित और संपादित किया जाता है। यदि ऐसे में नवाचारी गतिविधियों की बात की जाए तो हमें शिक्षक की भूमिका और नवाचारी और भी ज्यादा सर्वोपरि लगती है। कक्षा कक्ष की और बच्चों की मानसिक स्थिति को देखते हुए शिक्षक के द्वारा महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक बच्चे को सीखने की अपनी क्षमता और अपनी प्रवृत्ति होती है। अतः ऐसे में शिक्षक स्लो लर्नर बच्चों के साथ नवाचारी गतिविधियों के माध्यम से कक्षा कक्ष के वातावरण को और अधिक मित्रवत बना सकता है। CWSN अर्थात विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ इस तरह की नवाचारी गतिविधियों को और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं, साथ ही साथ शिक्षक की भूमिका भी। कक्षा के तीक्ष्ण बुद्धि वाले बच्चों के साथ भी हमारे कक्षा कक्ष की नवाचारी गतिविधियां बहुत उपयोगी होती हैं। इस तरह की गतिविधियां न केवल बच्चों को सीखने के लिए बहुत मददगार साबित होती हैं, बल्कि उन्हें प्रोएक्टिव बनाती हैं। इस पूरे रिसर्च वर्क के दौरान मेरा जो शोध रहा वो ब्लॉक लेवल मेरे धारी से जुड़ा रहा। उसमें विद्यालय के 10 विद्यालयों को मैंने शामिल किया, जिसमें प्रत्येक विद्यालय से 40 स्टूडेंट्स को शामिल करते हुए मैंने 400 बच्चों को शामिल किया है। 2 शिक्षक प्रति विद्यालय और पिछले 6 माह से लगातार इसमें कार्य किया। इसमें स्कूल पर ई कंटेंट टीचिंग पर मेरा फोकस रहा, क्योंकि विद्यालयों में हम देखते हैं हर विद्यालय में लगभग कंप्यूटर, प्रोजेक्टर या कहीं कहीं पर लैपटॉप्स भी अवेलेबल हमारे टीचर के माध्यम से, क्योंकि हम हाईटेक टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं तो हमारे हर जेब में स्मार्टफोन है। स्मार्ट टेक्नोलॉजी के युग में हमें आवश्यक हो जाता है कि हम इसको आगे बढ़ाएं, लेकिन साथ ही साथ जो योगदान है हमारा विद्यालय के अंदर एक छोटा सा प्रयास किया गया कि शोध के साथ ही साथ हम लोग ICT वर्ड से बच्चों को दादत्त जोड़ के रखें। इसमें कुछ बातें छोटी सी ये बात रखना चाहूँगा कि CCRT के माध्यम से हम लोग बच्चों के साथ कल्चरल एक्टिविटीज कराते हैं ताकि उनके अंदर सांस्कृतिक गुणों का समावेशन किया जा सके। मैं समस्त उपस्थित यहाँ प्रतिभागियों से निवेदन करूँगा कि जो भी शिक्षक साथी या रिसर्चर्स यहाँ आए हैं उपस्थित हैं डाइट के माध्यम से, मैं अपने प्राचार्य जी को कहना चाहूँगा कि अपने इस बागेश्वर डाइट में आप CCRT की गतिविधियों को बढ़ावा दें और उसके माध्यम से शिक्षकों को, बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को हम सांस्कृतिक बना सकें, संस्कृति से जोड़ सकें, अपनी कला को समृद्ध कर सकें। थैंक यू।